हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी क्विक रिजन ऑफ ऑल द टॉपिक्स ऑफ क्लास फोर्थ एग्जाम इसकी दो वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं आज हम इसका पार्ट थर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं तो शुरू करते हैं विद इंडियन नेशनल मूवमेंट हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हु कन्वीनड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन कौन से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में कन्वीन कराई तो ये थे राम से मैकडोनाल्ड और इंडिया से फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिन लोगों ने अटेंड की थी उनमें एक तो थे अंबेडकर मोहम्मद अली जना सर तेज बहादुर सप्रू वी एस श्रीनिवास शास्त्री सर मोहम्मद जफरुल्ला खान के टी पॉल देन मेरा बहन दीज आर द की पार्टिसिपेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट अटेंड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सो किसने इनमें से फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की थी एम के गांधी इन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की थी हु ओपन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये ओपन किसने की थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किंग जॉर्ज वी नेक्स्ट करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव अ युद्ध सेवा मेडल पहली वुमेन जिसको युद्ध सेवा मेडल मिला वो कौन थी तो वो थी मिंटी अग्रवाल आई एफ स्क्वाड्रन मिंटी अग्रवाल ये फर्स्ट वुमेन है जिनको ये अवार्ड दिया गया युद्ध सेवा मेडल और इनको ये इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने हेल्प प्रोवाइड की थी टू अभिनंदन वर्धमान एयर सपोर्टिंग ड्यूरिंग ट्वेंटी सेवन फै ड फाइट तो इन्होंने पिछले साल अभिनंदन की हेल्प की थी इसलिए ये अवार्ड इनको दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली आर बी आई हैज एक्सटेंडेड द ऑफ आर के चिब्बर द चेयरमैन ऑफ विच बैंक बाई सिक्स मंथ अभी एक दो महीने पहले आर ने आर के चिब्बर जो चेयरमैन है किसी बैंक के उनका सिक्स मंथ का टाइम पीरियड सिक्स मंथ के लिए एक्सटेंड किया तो वो को, वो किस बैंक के चेयरमैन हैं वो है जे के बैंक के चेयरमैन जे के की बात की जाए ये एक सेमी स्टेट ऑन शेड्यूल्ड बैंकिंग है एंड फाइनेंशियल सर्विसेज और इसकी शुरुआत की थी फर्स्ट अक्टूबर नाइनटीन को बाई द किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महाराजा हरी सिंह नेक्स्ट रिसेंटली कंपनी हैज गिवन इट्स एम्प्लॉज द ऑप्शन ऑफ परमानेंटली वर्किंग फ्राम होम किस कंपनी ने अपनी एम्प्लॉज के लिए एक चॉइस दी है कि वो अपने घर से भी काम कर सकते हैं तो ये दी है माइक्रोसॉफ्ट ने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैज़ वन द नोबल पीस प्राइज फॉर 2020 तो नोबल पीस प्राइज ये जीता है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और ये इनको दिया गया फॉर इट्स एफर्ट टू कम्बेट हंगर नेक्स्ट हु हैज़ रिटर्न अ बुक कॉल्ड द खालिस्तान कंस्पिरेसी बुक है इसका नाम है खालिस्तान कंस्पिरेसी ये किसने लिखी तो ये लिखी है जे बी एस सिद्धू ने जो रा के द रिसर्च एंड एनालिस्ट विंग इसके फार्मर स्पेशल सेक्टर भी रहे हैं तो इन्होंने ये लिखी है द खालिस्तान कंस्पिरेसी नेक्स्ट हु हैज़ वन द टू थाउजेंड ट्वेंटी फ्रेंच ओपन टाइटल फ्रेंच ओपन टाइटल ट्वेंटी ट्वेंटी किसने जीता तो ये जीता है राफेल नडाल ने नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव अ फुल डिजिटल हाई टेक क्लास रूम पहली स्टेट कौन सी बनी जहाँ पूरा डिजिटल हाई टेक क्लास रूम बनाए गए हैं तो ये बनी है केरला स्टेट नेक्स्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट बैट्समैन इन एशिया टू स्कोर टेन थाउजेंड रन इन टी ट्वेंटी रिसेंटली सो टी ट्वेंटी में दस हज़ार रन बनाने वाले पहला पहले, पहले एशिया के बैट्समैन कौन हैं तो ये बने हैं शुएब मलिक नेक्स्ट क्वेश्चन वो स्टेट गवर्नमेंट हैज़ गिवन एग्जाम्पन टू रोड टैक्स टू बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स जो भी व्हीकल्स बैटरी पर चलते हैं उनके लिए रोड टैक्स एग्जाम्प्ट किया गया है तो ये एग्ज़म्पन किस गवर्नमेंट ने दिया है तो ये दिया है दिल्ली गवर्नमेंट ने नेक्स्ट हु हैज रिलीज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल सो डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल इनकी ऑटोबायोग्राफी किसने रिलीज़ की तो ये की है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने नेक्स्ट स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द चीफ मिनिस्टर सोलर सेल्फ एम्प्लॉमेंट सिकीम रिसेंटली किसने किस स्टेट गवर्नमेंट ने, ने मुख्यमंत्री स्वर स्वरोजगार योजना यानी चीफ मिनिस्टर सोलर सेल्फ़ एम्प्लॉमेंट सिकीम रिसेंटली लॉन्च की तो ये लॉन्च की है उत्तराखंड ने उत्तराखंड स्टेट गौर्मेंट ने नैक्स्ट क्वेश्चन वी आर हेज़ द टू डे कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच कंक्लूडिड अभी कहाँ पे सागर कवच जो एक सिक्योरिटी एक्सरसाइज थी कंक्लूड हुई सागर कवच ये एक टू सिक्योरिटी एक्सरसाइज थी जो कंडक्ट की थी बाय इंडियन नेवी एलॉन्ग विद इंडियन कोस्टल गार्ड्स सो ये कंक्लूड हुई रिसेंटली इन कोची कोची जो एक सिटी है इन द स्टेट ऑफ केरला इन इंडिया सो इट इज़ यूज टू बी कॉल्ड एज कोचिन कोचिन भी इसको कहते हैं इट इज़ आल्सो कॉल्ड द क्वीन ऑफ अरेबियन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सी एम डी ऑफ वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड करंट अफेयर से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो रिसेंटली सी एम डी ऑफ वेस्टर्न कोल फील्ड ये अपॉइंट किए गए हैं मनोज कुमार मनोज कुमार हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड नेक्स्ट मिस्टर प्रदीप कुमार रावत हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री प्रदीप कुमार रावत को किस कंट्री का एम्बेसडर ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया था तो ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू नदरलैंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड हु हैज़ वन द एफ एल ग्रैंड पिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी एफ एल ग्रैंड पिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी ये किसने जीता तो यह जीता है लेविस हैमिल्टन ने नेक्स्ट हु बिकेम द सेकेंड वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर थ्री थाउजेंड रन इन टी ट्वेंटी इंटरनेशनल दूसरी वुमेन जिन्होंने टी ट्वेंटी इंटरनेशनल में थ्री थाउजेंड रन बनाए तो सो वेस्ट इंडीज की प्लेयर स्टेफिन टेलर यह बनी है सेकंड वुमेन क्रिकेटर टू तो स्कोर थ्री थाउजेंड रन इन टी ट्वेंटी इंटरनेशनल और इसमें जो फर्स्ट वुमेन है वह हैं सोजी बेट जो न्यूजीलैंड की ओपनर है शी वॉज द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर थ्री थाउजेंड रन इन टी ट्वेंटी इंटरनेशनल और अब सेकेंड वुमेन बनी है स्टेफिन टेलर ऑफ वेस्ट इंडीज़ नेक्स्ट हो बिकेम द सेकेंड इंडियन टू स्कोर फास्टेस्ट सेंचुरी इन आई पी एल के ओपनिंग बैट्समैन मयंक अग्रवाल ही हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन टू स्कोर फास्टेस्ट सेंचुरी और इन्होंने ये सेंचुरी कंप्लीट किया इन फोर्टी फाइव बाल्स और इससे पहले जो नंबर वन इंडियन है वह है यूसुफ पठान इन्होंने थर्टी सेवन बाल्स में बनाई थी अंगेस्ट मुंबई इंडियंस इन आई पी एल टू थाउजेंड टेन तो नंबर वन पे हैं यूसुफ पठान आई पी एल टी ट्वेंटी जो अभी रिसेंटली टू थाउजेंड ट्वेंटी में हुए उससे रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें है लेटेस्ट है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आई पी एल टी ट्वेंटी ट्वेंटी लोगो लोगा इसका ड्रीम अलेवन ये इसका लोगो था डेट नाइन्टीन सेप्टेम्बर टू नवंबर टू ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी टी ट्वेंटी का ये फार्मेट था और इसमें होस्ट किया था यू यूनाइटेड अरब अमारात में ये मैच हुए चैम्पियंस इसमें रहे मुंबई इंडियंस इनका ये फिफ्थ टाइटल था यानी पाँचवीं बार मुंबई इंडियंस ने ये टी ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी का जीता और रनर अप रहे इसमें दहली कैपिटल्स टोटल पार्टिसिपेंट्स थे एट कंट्री एट देन मैच प्लेड साठ मैच में खेले गए प्लेयर ऑफ द सीरीज जोफ्रा आकर जिन्होंने वन थर्टी रन एंड ट्वेंटी विकेट्स लिए मोस्ट रन इसमें बनाए हैं के राहुल ने छः सौ सत्तर रन बनाए और मोस्ट विकेट्स लिए कॉजिसो रबाडो जिनने थर्टी विकेट्स लिए नेक्स्ट स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुज रिसेंटली वन द रशियन ग्रैंड प्रिक्स थाउजेंड ट्वेंटी तो रशियन ग्रैंड पिक्स टू टू थाउजेंड जीता है वेल्टारी बोटास ने नेक्स्ट विच फोर्ट इज़ पॉपुलरली नोन एज रियासी फोर्ट किसको रियासी फोर्ट कहा जाता है तो ये कहा जाता है भीमगढ़ फोर्ट को इसको रियासी फोर्ट भी कहा जाता है नेक्स्ट विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया इंडिया में सबसे कोल्डेस्ट प्लेस तो ये है द्रास में ये है द्रास जो इस वक्त जो आज लद्दाख में है लद्दाख यूनियन टेरिटरी में फर्स्ट कश्मीरी पोइट टू राइट इन ब्लैंक वर्स तो ये थे दीनानाथ नादिम हुज नॉन एज लाल साहिब लाल साहिब किसको कहा जाता स्वामी लक्ष्मण जू को नेक्स्ट क्वेश्चन कल्चर से रिलेटेड फॉलोइंग, विच अमंग द फॉलोइंग मटीरियल वाज यूज इन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट इसमें कौन सा मटीरियल यूज हुआ रेड स्टोन्स नेक्स्ट एज पर इंडियन माइथोलॉजी धूम्र वर्ना ये एक इंकॉर्नेशन है ऑफ अवतारा ऑफ तो धूमरा वर्मा ये इनकारनेशन है अवतारा ऑफ गणेशा नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग कट केव इन इंडिया जो सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग कट केव है इंडिया में वो कौन सी हैं तो वो हैं बार बारा केव्स नेक्स्ट वट इज द टाइटल ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ मुस्लिम होली बुक कुरान जो मुस्लिम्स का हॉली बुक है कुरान उसका फर्स्ट चैप्टर कौन सा है उसका नाम क्या है तो उसका नाम है अलफातिहा सॉरी फातिहा जिसको कहते हैं नेक्स्ट हुआ रिसेंटली बिकम द न्यू हेड ऑफ़ वुमेंस सेलेक्शन कमेटी ऑफ इंडिया वुमेन की जो सिलेक्शन कमेटी ऑफ इंडिया है इसके नए हेड कौन बने हैं तो ये बनी है नीतू डेविड इंडियाज फाइनेस्ट वुमेन क्रिकेटर इन द लेट नाइन्टीज़ एंड अर्ली टू थाउजेंड वो ब, आ, उनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ वुमेन सिलेक्शन कमेटी रिप्लेसिंग हेमलता कला नाउ कुछ साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच एनिमल ड्रिंक्स नेवर ड्रिंक्स वाटर इन इट्स एंटायर लाइफ वो एनिमल जो अपनी एंटायर लाइफ में कभी भी पानी नहीं पीता कंगारो रेट नेक्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी सबसे ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स कौन से पार्ट में होते हैं तो ये होते हैं पाम ऑफ द हैंड इसलिए जो आपकी हथेली है हाथ की उसमें बहुत ज़्यादा पसीना हर वक्त आता रहता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं वैक्सीनेशन ये किसने स्टार्ट की थी तो ये स्टार्ट की थी एडवर्ड जेनर ने आर मेड अप ऑफ तो ये बने होते हैं अमीनो एसिड के नेम द साइंटिस्ट हु वर्कड ऑन डी एन ए डबल हेलिक्स जिसने वो साइंटिस्ट जिसने डीएनए डबल हेलिक्स पे काम किया तो उनका नाम क्या है तो उनका नाम है एफ क्रिक जे वार्सन एंड एम विल्किंस नेक्स्ट हर्ट इज़ मेड अप ऑफ तो हर्ट इट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स विच गैस इज़ मोस्ट पॉपुलर एज़ पॉपुलरली नॉन एज लाफिंग गैस लाफिंग गैस कौन सी पॉपुलर गैस को कहा जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कन्सैप्ट वाज ऑब्जर्व एंड डिस्कवर्ड बाय इलेक्ट्रो मैगनेटिक फील्ड ये जो कन्सैप्ट है किसने ऑब्जर्व और डिस्कवर किया तो ये किया था जेम्स हारग्रेवस ने द ब्रहमोज मिसाइल वाज डेवलप्ड बाय विच कंट्री ब्रहमोज मिसाइल किसने डेवलप किया डिड विद जवाइट वेंचर ऑफ इंडिया एंड रशिया दंसेप्ट ऑफ इनर्शिया ये किसने कन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया डिवल्प किया था तो यह किया था गलेलियो ने नेक्स्ट फॉर द कल्टिवेशन उस क्राप का नाम बताओ दैट इज रिक्वायर्ड ऑफ वाटर लॉगिंग तो वह है राइस हु अचीव द डिस्कवरी ऑफ विटामिन सी विटामिन सी ये जो डिस्कवरी है इसकी विटामिन uh, सी की इसको किसने अचीव किया था एल्बर्ट सीजेंट ने वट इज़ द प्योरेस्ट फार्म ऑफ आयरन तो प्योरेस्ट फार्म ऑफ आयरन इज रॉट आयरन नेक्स्ट क्वेश्चन वाई द वाइट ब्लड कासल्स डब्ल्यू बी सी आर पॉपुलरली कॉल्ड एज सोल्जर ऑफ द बॉडी इनको सोल्जर ऑफ़ द बॉडी क्यों कहा जाता है क्योंकि ये डिफेंड करते हैं बॉडी को हैपेटाइटस जनरल इन इज़ अ जनरल टर्म फॉ द डिजीज़ दैट इज़ कॉज्ड बाई हेपेटाइटस किस कौन सी डिजीज के लिए जनरली कहा जाता है जनरल टर्म किस कौन सी डिजीज के लिए तो ये है वायरसिस के लिए हेपेटाइटिस इट इज द जनरल टर्म फा द डिजीज़ दैट इज कॉज्ड बाई वायरस नेक्स्ट वो द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिजीज़ इनमें से कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज़ है मिसल्स इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़ उसके अलावा एच आई वी हैपिटाइटस ए बी सी मिसल्स एंड मिसल्स तो ये सारे हैं कम्युनिकेबल डिजीज क्या एग्जाम्पल्स वो द फॉलोइंग हैज हाइस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम तो पर ग्राम के हिसाब से हाइस्ट प्रोटीन कंटेंट किस में है तो ये है सोयाबीन में नेक्स्ट मशरूम आर या कैन बी वराइटी ऑफ फंगस ये भी करेक्ट है ये एक मश फंगस की वैरायटी है फ्लैशी फ्रूट बॉडीज़ ऑफ द फंगस ये भी करेक्ट ऑप्शन है ग्रोन इन स्माल शेड्स आर प्लाट्स ये स्मॉल शेड्स में या प्लाट्स में ग्रो किए जाते हैं सो ऑल द एबो लार्जेस्ट सेल कौन सा है तो एगफ एन ऑस्ट्रिच इट इज़ द लार्जेस्ट सेल विच इज़ द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल लार्जेस्ट ह्यूमन सेल वो है ओवम नेक्स्ट लांगेस्ट सेल लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है तो नर्व सेल इट इज द लॉन्गेस्ट सेल देर आर डेट नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन तो ह्यूमन में कितने मसल्स होते हैं तो ये होते हैं सिक्स थर्टी नाइन मसल्स कल्चर से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको नोट करने चाहिए रीजनल म्यूज़िक कौन कौन से हैं और कौन सी कन, ए, स्टेट से बिलोंग करते हैं तो रसिया गीत ये बिलोंग टू उत्तर प्रदेश लोटिया राजस्थान से बिलोंग करता है देन पंदावनी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है ये रीजनल म्यूज़िक है देन ब्रह्मासा कोमाऊ देन मांडो गोवा चक्री चक्री ये है रीजनल ऑफ कश्मीर लमन हिमाचल प्रदेश कजरी यूपी देन बुरा कथा प्रदेश भोटा सांग, केरला से रिलेटेड सांग, आसाम से रिलेटेड सोना लोमक मणिपुर से रिलेटेड बसंती गढ़वाल से रिलेटेड देन घासियारी गीत, गढ़वाल से रिलेटेड एंड विल्लो पट्टू इट इज रिलेटेड टू तमिलनाडु नाउ नव अब शुरू करते हैं हम इंग्लिश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन फाइंड द वर्ड अपोजिट ऑफ स्टराइल स्टराइल के अपोजिट कौन सा वर्ड है स्टेराइल का मीनिंग है नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनी यानी जो कुछ भी प्रोड्यूस ना कर पाए जिसको बंजर भी हम कह सकते हैं तो इसका अपोजिट है फर्टाइल फाइंड द एंटोनियम ऑफ एक्सोडस एक्सोडस का एंटोनियम क्या है यानी अपोजिट क्या है तो एक्सोडस होता है किसी को बाहर निकालना और इसका अपोजिट है स्टे यानी एक जगह रहना नेक्स्ट फाइंड मोस्ट अपोजिट वर्ड ऑफ टेनेट टेनेट का अपोजिट क्या है तो टेनेट होता है यकीन और इसका अपोजिट है डाउट अपोजिट मीनिंग ऑफ बाक मीन्स प्लानिंग्स के साथ कोई काम ना किया जाए उसको बोलते हैं बाक और इसका अपोजिट है प्लान नेक्स्ट इसका एंटोनियम क्या है तो फियासको इसका मीनिंग है नाकामी और इसका एंटोनियम है अचीवमेंट कुछ अचीव करना अपोजिट मीनिंग ऑफ हेरेसे हेरेसे का मीनिंग होता है कंट्ररी या उल्टा करना और इसका अपोजिट है एग्री करना यानी किसी चीज पर एग्री करना नेक्स्ट अपोजिट टू प्रोवोक प्रोवोक होता है किसी को उकसाना या गुस्सा दिलाना तो इसका अपोजिट है सोध यानी अमन काम अपोज़िट मीनिंग ऑफ कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल मीन्स वाज़ या कोई क्लियर चीज़ हो उसको बोलते हैं कैटेगोरिकल और इसका अपोजिट है कंडीशनल जिसमें कंडीशंस वगैरह रखी जाए यानी नॉट क्लियर नेक्स्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ इंटेंस इंटेंस होता है बहुत सख्त या शदीद जिसको हम कह सकते हैं उर्दू में तो इसका अपोजिट है काम नेक्स्ट वर्ड दैट बियर्स द फारदेस्ट मीनिंग ऑफ डर्थ डर्थ से मिलता जुलता कौन सा इनमें वर्ड है तो वह है एबंडेंस यानी बहुत ज्यादा एबंडेंस काफी मिकदार में तो यही डर्थ का भी लगभग सेम मीनिंग है नियरेस्ट मीनिंग ऑफ एम्बिशन एम एम्बिशन आपको पता है इसका मीनिंग तो इसका मीनिंग है डिज़ायर ख्वाहिश टेंट इसका नियरेस्ट मीनिंग करप्ट करप्ट और टेंट सेम ही होता है लगभग विच वर्ड इज मोर लेस सनानियम ऑफ एबल एबल से मिलता जुलता वर्ड कौन सा है तो ये है एबल मीन्स कुछ कर सकना यानी कैपेबल आई बिलीव इन दूनिट ऑफ यूनिटी ऑफ गॉड तो एक सेंटेंस है आई बिलीव इन द यूनिटी ऑफ गॉड तो यहां यूनिटी का मीनिंग क्या है तो यूनिटी का मीनिंग है वननेस चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू कंसील कंसील से मिलता जुलता मीनिंग तो यह रिवील करना रिवील नेक्स्ट अब हम देखते हैं करेक्टली स्पेल्ट वर्ड्स आपने फाइंड आउट करना है तो एडल्ट्रेट 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 भी है ये और ये भी एडोल्टेट है इसमें एडोल्ट्रेट की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है ये आपको बतानी है तो फर्स्ट ए वन ए डी यू एल टी ई आर ए टी ये है इसकी करेक्ट स्पेलिंग नेक्स्ट फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एडवेंशियस इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है तो फर्स्ट वाला एडवेंशियस ये आप स्पेलिंग्स uh, वगैरह याद कर लें क्योंकि इस पर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे सो एडवेंशियस फर्स्ट वर्ड ए पार्ट यह है इसका करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट एडवर्सटी एडवर्सिटी इसकी सही स्पेलिंग कौन सी है तो ए डी वी ई आर एस आई टी वाई सी पार्ट यह है इसकी करेक्ट स्पैलिंग नेक्स्ट एफिडेविट एफिडेविट की करेक्ट स्पेलिंग क्या है तो ए डबल एफ आई डी ए तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग है ए डबल एफ आई डी ए वी आई टी के लास्ट में यहाँ गलती से लिखा गया है तो ए डबल एफ आई डी ए वी आई टी यह है एफिडेविट की करेक्ट स्पेलिंग नेक्स्ट एग्लोमिरेशन। एग्लोमिरेशन की करेक्ट स्पेलिंग तो यह है ए डबल जी एल ओ एम ई आर ए टी आई ओ एन तो यह है एग्लोमिरेशन की करेक्ट स्पेलिंग नेक्स्ट फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एबेरेंट एबेरेंट की करेक्ट स्पेलिंग है ए बी ई डबल आर ए एन टी नेक्स्ट एबायंस एबैंस की करेक्ट स्पेलिंग तो यह ए बी ई वाई ए एन सी ई है अबेंस की करेक्ट स्पेलिंग नेक्स्ट फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एबस्टीमियस तो एबस्टीमियस ए बी एस टी ई एम आई ओ यू एस एबस्टीमियस ये है करेक्ट स्पेलिंग फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कैकोफोन तो कैकोफोनी ये है करेक्ट स्पेलिंग सी ए सी ओ पी एच ओ एन वाई